कितना क्या है सारे, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं थोड़ा मुश्किल से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है रात 8 और मुझे ना सुबह 9 बजे से ना हिचकी लगी हुई है लगातार कंटिन्यूसली आ रही है, पता नहीं क्यों अचानक से बैठे बैठे ही लग गई, पता नहीं क्यों। शरीर ने सुबह पता नहीं कौन से परोठे बनाए थे, वो परोठे खाने के बाद लगी है मुझे। इतना तंग होने के बाद फाइनली मैंने ना अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली है कि अगर आपके पास कोई टोटका है जिस टोटके से ये ठीक हो जाए तो मुझे बताओ। उस पर बहुत से लोगों ने अपने अपने टोटके बताए हैं, तो अभी मैं वो टोटके ट्राई करने जा रहा हूँ, देखते हैं कि वो काम करते हैं या नहीं करते। लेकिन सच में हिचकी आई ना और ऐसे लगातार आए और मुझे सुबह से आ रही है, जस्ट इमेजिन कि मेरा अंदर से शरीर कैसे पूरा खिंच रहा होएगा। जो आपने पिछले Q&A में क्वेश्चन पूछा था ना कि शरीर की कौन सी बात है जो मैं डिसलाइक करता हूँ, ये पूरे घर में पतपुरुता करती रहती है। मेरी कसम खा तूने अभी नहीं किया। ओ, किस पर जी कसम खा रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। मेरी कसम खा, सिर रख के कसम खा। You are a liar। तू मेरे सिर रख के कसम खा, खा कसम। देखा? It's a natural phenomenon, कभी कभी हो जाता है। नहीं नहीं, जब मैं इसके साथ रहता नहीं होता था ना तो मुझे लगता था कि हम लड़के ही ऐसे काम करते हैं। फिर मुझे जो लड़कों को कंफ्यूजन है कि लड़कियां भी ऐसे करती हैं, भाई हाँ करती हैं। बट ऐसा नहीं है, मतलब यस प्रिशिस पहली बार हुआ होगा। पहले हम एसी चला ले क्योंकि ऑडियो के चक्कर में पंखे बंद करने पड़ते हैं, हम पसीनों पसीन हो जाते हैं। अभी क्या है कि अभी सबसे पहले आप में से ही किसी ने बोला है कि भाई जुबान पकड़ के रखो तो हिचकी ठीक हो जाएगी, तो सबसे पहले मैं जुबान पकड़ के रखता। अगर आप जुबान पकड़ के ऐसे बोलो तत्ता गुड़ खाया, तत्ता गुड़ खा, गुड़ खाया। देखा मैं बोलती थी ना गुड़ खाते हो, पर आपने कभी माना नहीं, आज मान लिया। उसने वो जुबान पकड़ के रखनी है, ये तो बोला नहीं कितने देर के लिए पकड़ के रखनी है। यार मुझे किसी ने बोला कि अगर ऋषि को डराएगी ना तो ऋषि खींच की चली जाएगी। मैं डरा के भी देखती हूँ, इतनी बार दिन में डरा चुकी हूँ ऋषि को। एक्चुअली पता क्या है, मुझे डर क्यों नहीं लगता, मैं ये चेहरा सारा दिन देखता रहता हूँ ना तो मेरा डर ही गायब हो चुका हुआ है। इस्तेमाल करते देख लें आप में से किसी ने क्या भेजा है। प्रिया दुग्गल बोल रही है कि आप सोचो कि आपको कौन याद कर सकता है, उसका नाम पर प्रनाउंस करो, दैट विल वर्क। मेरे को कौन याद कर सकता है? बबीता जी। अरे मैं बोल रहा हूँ नविता जी। ठीक होगी बबीता जी। वो सच में ठीक होगी, वो याद हो गया ये तो। बबीता जी कुछ नहीं आ रही, सच में नहीं आ रही। बबीता जी निकाल दो, सच में नहीं आ रही। ट्रिक काम करके बबीता जी। अच्छा चलो सरी मेरे पूछू पूछू नाम पे आ गई यार, सच में सही होगी यार। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो गैस ही मारा कि मुझे कौन याद कर रहा होगा, और वो गैस सही निकला, मैं क्या करूं? वो मैं नहीं मारता, तू मारती है। ओ प्लीज नहीं, किसी ना किसी व्लॉग में यार ये चीज व्लॉग में प्रूव नहीं हो सकती। हो सकती है, शंदन को बोलूंगा, शंदन साउंड इफेक्ट लगा दी मैं यहाँ पे। अच्छा। देखा कितने चला दिए ये लोग। किसी दिन ऐसे ही बोलना, शंदन साउंड इफेक्ट। उसने मैंने आपके लिए चाय भी बनाई थी। कितना टाइम हो गया सर, आई नहीं। मैं क्या करूं मैं, और वैसे भी उसका रियल नेम बबीता तो है नहीं यार। अभी बहुत आराम है, मैं थैंक्स करना चाहता हूं सीरियसली। आप भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऐसा होता रहता है। थैंक यू प्रिया दुग्गल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैक काम कर गया। बबीता जी कर गए, चाय पकड़ो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं, पकड़ो। नाराज होगी, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है इसमें।
पहले ये बता मेरा कसूर क्या है? हाँ, तो किसी और का नाम भी लिख दो। मेरा कसूर नहीं है, मेरा कसूर नहीं है, प्रिया दुग्गल आपका कसूर है। अच्छा, उसका वही कसूर है। उसने हैक दिया ये वाला। मैंने तो आप सारी कुछ कुछ भी बोल सकते हैं। आप पॉइंट नहीं समझ रहे। प्रिया ने बोला है कि उम्मीद करो कि कौन आपको याद कर रहा होगा, उसका नाम लेना है। नाराज होगी, नाराज होगी। जाओ आप अपनी गोपिता जी के पास जाओ। वो तो आपको मौका मिलेगा उसका नाम बोलने का। ऐसे तो आप बोल नहीं सकते। घर वाली बाहर वाली, भाई वो बाहर वाली तो है भी नहीं वैसे, वो बेचारी तो। यार इतना मजाक तो हमारे में चलता रहता है। हाँ चलता है, मेरे को नहीं बात करने में मेरा मूड नहीं है। हैं? प्रिया दुग्गल ने एक और बात बोली है, कहते अगर ऐसा करने में बीवी नाराज हो जाए तो हिचकी दोबारा लग जाती है। प्रिया जी सरी आपके कारण नाराज हुई है, अब मुझे इसको मनाने का भी हैक बताओ। ये क्या उठा के फिर रही है? अच्छा तेरे को मनाऊं, इधर देख चंदन, साउंड इफेक्ट चंदन लगाएगा यहाँ पे साउंड इफेक्ट। अगर लगाया है तो देख लेना, मैं बता रही हूँ चंदन तू बहुत पिटेगा मेरे अगर तूने ये किया तो। प्रिया दुग्गल ऐसे भी होता है कि अगर फोन कर लिया जाए तो हिचकी सारी लाइफ लगेगी नहीं। ओ चली गई। प्रिया प्लीज मुझे इसका भी आंसर दिया जाए, है ना? कैसे देख रही है गुस्से से। देख बुचू, अब तेरे को तो शुक्र उसका थैंक यू करना चाहिए, उसके कारण तेरे पति की हिचकी ठीक होगी। यू शुड से थैंक यू टू हर। तुझे अभी फोन करना चाहिए और तुझे बोलना चाहिए हेलो थैंक यू। वो बोलेगी किस चीज का? बस तेरे को थैंक यू बोलना है। मुझे डराने लगे, मैं उस रूम में बैठा अपना काम वगैरह कर रहा था, ये आती थी अचानक से ना, मुझे डराती थी कि मैं एकदम से डर जाऊंगा। हाँ वाह यार सही हो गया, थैंक यू प्रिया एंड थैंक यू बबीता जी। कहाँ गई, कहाँ जा रही है? बाहर नहीं जाना, बाहर ऑडियो खराब होती है। क्या बना रही है ये? राइस बना रही हूँ। आज हमारे घर में बन रहे हैं राइस, जो कि वैसे तो रोज यही बनते हैं। अच्छा क्या बनते? रोज राइस नहीं बनते, कभी कभी चावल बनते हैं, कभी कभी राइस बनते हैं। झूठे। मैंने आज आपको मल्टीग्रेन पराठे खिलाए वो भी दाल के, और ये हिचकी मल्टीग्रेन पराठे के कारण ही लगी है। लड़ाई होगी। ओह माय गॉड। सरी चला अच्छा, तेरे को एक आइसक्रीम खिला के लेके आते हैं, फिर अपन दोनों रोंडी मारने चलेंगे, है ना? मेरे को नहीं जाना, बबीता जी को ले लो। तेरे को आइसक्रीम खिलाने लेके चले आए। दादी अम्मा मान जाओ ना। मैंने नहीं बात। यार ये कैसी थी ये देख रहा। एक्चुअली ये क्या है कि ये मैंने ना सरी को उसके ब्लॉग पे, जो अपने इस चैनल का पहला ब्लॉग है, पहला व्लॉग है, उसमें मैंने ये गिफ्ट किया था। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको वो व्लॉग भी बहुत मस्त लगेगा। चल मान जा यार, अब यार मैं तेरे को खुश होना चाहिए कि किसी के कारण तेरे पति की हिचकी ठीक होगी। मैं एक शर्त पे मानूंगी, आज के बाद आप कोई भी व्लॉग में बबीता जी का नाम भी लोगे। ठीक है promise? हाँ पर हिचकी ठीक हो जाए तो फिर को माड़ा भी नहीं लेना। चल आज तेरे को आइसक्रीम खिला के लेके आया। आइसक्रीम एक ऐसी चीज है, बच्चा भी खुश होता है खा के और एक बूढ़ा बंदा भी खा के खुश होता है। अच्छा अभी इनको ठीक कर दूं ना करूं, मान गई है? कसाटा मटका बॉम्बर। आज बबीता जी के चक्कर में ना घर में क्लेश हो जाना था, खाना नहीं मिलना था। क्रेडिट देना बनता है, ऐसे नहीं करते। एक बार बोल दे क्रेडिट गोज टू माय पति इज माय पति, नन ऑफ योर पति। ये कुछ नहीं अम्मी है, पहले मटका खाऊंगा फिर मैं कसाटा खाऊंगा। बैक टू घर, लेकिन फिर दोबारा लग रही है। पानी पी। अभी 10:30 हो रहे हैं, तब से लेके अब तक नहीं आई, लेकिन अभी फिर दोबारा आ गई। चल अबे अब सरी 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 करके देख लेते हैं। हाँ, सरी। कि अभी मैं चावल खा रहा था, पानी पी सारा पानी फिनिश करना मेरा से। हाँ, सरी ओ सरी के नाम पे भी नहीं आ रही, देखा भी सरी के नाम से भी नहीं आती है। ठीक है फाइनली सरी के नाम से भी नहीं आती है। सरी सरी अभी देखते हैं। सॉरी नहीं बोलना, सरी के
नहीं वो खाना खा रहे थे ना तो वो एकदम से यहाँ फंस गया था वो आपके गले में, वो जाता है कभी कभी। तो ये अपना आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही रैंडम व्लॉग था लेकिन व्लॉग बनाने में बहुत मजा आया, लाइक बहुत फन आया बनाने में, और मुझे पता है कि आपको देखने में भी बहुत ज्यादा फन आया होगा। और ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हो और मतलब कि अपने इस टाइम को और अच्छा बनाना चाहते हो, देन यहाँ पे व्लॉग्स आ रहे हैं, इन व्लॉग्स को देखो, यू विल डेफिनेटली लव देम, डेफिनेटली।